Hello viewers, welcome back to our channel. As you all know, sprouts are rich source of nutrients and vitamins. We include it in our diet in the form of salads or as in curry. But do kids like it in the same way? No, not most of them. But we keep on trying to make the food interesting in this way or that, so that the no will become yes one day. Before we start, do subscribe to our channel and hit the bell icon for latest notifications. Our today's recipe is Raj Kachori. Kachori is stuffed with sprouts. So let's start the recipe now. Kachori banane ke liye hum ek bowl mein 1 cup maida lenge. उसमें 1 स्पून घी या तेल लेके मिक्स कर लेंगे। इससे कचौरिया खस्ता बनेंगी। अब हम इसमें मिलाएंगे 1 कप सूजी या रवा। अब हम इसमें नमक और पानी मिलाके डो तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने 3/4 कप पानी लिया है, जिससे डो टाइट बने। डो हमारा तैयार है, अब इसे 15 मिनट तक ढक के रख देंगे। डो को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखें और इस्तेमाल करिए, ताकि इससे तेल भी कम अब्जॉर्ब हो और पूरियां खस्ता बने। तब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए चॉप्ड ऑनियन, इमली की चटनी, ग्रीन चटनी, दही, टमाटो केचप, कुछ अनार के दाने, नमक, जीरे और लाल मिर्च की पाउडर और चाट मसाला। अब डो को फ्रिज में से निकाल लेंगे और उसके छोटे छोटे लुइयां तोड़ लेंगे। एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करें और लुइयों को पूरी की तरह बेल लें। कचौरियों को एक जैसा शेप देने के लिए कुकी कटर या किसी भी डब्बे के कैप से उसे कट कर लीजिए। यहाँ पे हम तेल गर्म हुआ कि नहीं एक बार चेक कर लेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब कचौरियों को हाई फ्लेम में तल लेंगे। अब हम फ्लेम को लो कर लेंगे और कचौरियों को धीमी आंच में तलने देंगे। अब कचौरी को धीमी आंच पे तलने दें। हाई फ्लेम में तलने से पूरियां फूल के ऊपर आ जाएंगी, तब हम इसे पलट लेंगे। अब कचौरियों को छान के एक प्लेट में निकाल लेंगे। गैस के फ्लेम को हाई कर ले और बाकी की कचौरियों को भी ऐसे ही तल ले। कचौरी तेल में डालने के टाइम पे अगर फ्लेम हाई नहीं रखे तो कचौरी पूरियों की तरह फूलेंगी नहीं। एक बार कचौरी फूल जाए तो फ्लेम लो कर लीजिए, जिससे कचौरी क्रिस्पी बनती है। कचौरियां हमारी तैयार हो चुकी है, अब इन्हें एक प्लेट में निकाल ले और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने रख दे। अब बारी आती है इसमें स्टफिंग भरने की। देखिए कैसे ये क्रिस्पी बने हैं। अब कचौरी को तोड़ के उसमें मूंगफली का स्टफिंग भरेंगे। अब हम इसमें डालेंगे दही। अगर आप चाहें तो दही में चीनी डाल के ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे केचप, खट्टी मीठी इमली की चटनी, धनिया पुदीने की चटनी, कटे हुए प्याज और
अनार के दाने। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, भुना जीरा, लाल मिर्च का पाउडर और चाट मसाला। वापस इसके ऊपर डालेंगे इमली की चटनी, दही, कुछ अनार के दाने और सेव। दूसरी कचौरी को तोड़ के उसमें डालेंगे स्प्राउटेड मूंग, दही, केचप, इमली की चटनी और हरी चटनी। आप चाहें तो बोल्ड आलू को छोटा छोटा काट के ऐड कर सकते हैं। ऊपर से डालेंगे कटा हुआ प्याज, नमक और मसाले। इसके ऊपर डालेंगे चटनिया और अनार दाने। ऊपर से डाल दिया सेव और कचौरी हमारी तैयार है। बची हुई कचौरियों को आप एयरटाइट कंटेनर में एक हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। आप भी ऐसी चटपटी रेसिपी बनाएं, कैसा लगा हमें जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।